स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दीपक मिश्रा। घड़ी में सुबह के 8 बज चुके हैं और शुरुआत करते हैं खबरों के साथ बुलेटिन की। भोपाल से खबर, जहां राजधानी भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान उमरिया में रिकॉर्ड किया गया, जहां तापमान 3 डिग्री पर पहुंच गया। बाकी प्रदेश के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे बना हुआ है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं इंदौर में तापमान 9.4 डिग्री रहा। इधर जबलपुर में 5.8 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। ग्वालियर में सबसे कम तापमान 5.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हालांकि कई संभागों में शीतलहर का असर देखने को मिला और उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण और जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी के कारण मध्य प्रदेश में भी ठंड का असर दिख रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान उमरिया में रिकॉर्ड किया गया, जहां तापमान 3 डिग्री पर पहुंच गया। बाकी प्रदेश के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री पर बना हुआ है। हालांकि पिछले हफ्ते हमने देखा जिस तरह से मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई, तेज बारिश भी हुई और उसके बाद अचानक से कोहरा छाए रहा। 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कोहरा छाने से लोगों को ठंड का एहसास होने लगा था और उसके बाद लगातार ठंड ने जिस तरह से कहर बरपाया, चलिए हम रुक करेंगे फिलहाल इस खबर पर ज्यादा बातचीत और अपडेट के लिए। हमारे साथ संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए हैं। वासु, हम देख रहे हैं कि ठंड अब इस तरह से पड़ रही है कि लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, आग के सामने बैठ के लोग जैसे तैसे ठंड निकाल रहे हैं। कैसा है मौसम और क्या कह रहे हैं मौसम विभाग के वैज्ञानिक? बिल्कुल दीपक, देखिए ठीक कहा आपने, ठंड का जो असर है वो मध्य प्रदेश में लगातार तेज होता जा रहा है और लोग अब तमाम जतन करते हुए नजर आ रहे हैं ठंड से बचने के लिए। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो बीते 24 घंटे में तमाम जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, वहां पे जो न्यूनतम तापमान था, न्यूनतम पारा था, वो 10 डिग्री के नीचे पहुँच गया। उमरिया में सबसे कम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया और उमरिया ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के जो महानगर हैं वहाँ पर भी ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर, ग्वालियर की बात की जाए तो जो न्यूनतम पारा है वो 7 डिग्री के आसपास या 7 डिग्री से जो नीचे है वो दर्ज किया गया है। ऐसे में लोगों की जो मुसीबतें हैं वो ठंड के कारण बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका जो असर है वो दिखाई दे रहा है और COVID-19 का संक्रमण काल चल रहा है जिसका शुरुआती लक्षण ही सर्दी खांसी होता है। ऐसे में जो जिला प्रशासन है, जो स्वास्थ्य विभाग है, उन्होंने भी अपने स्तर पर जो तैयारियां हैं उन्हें तेज कर दिया गया है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि आप जो तमाम ठंड से बचने के उपाय हैं वो करते रहें और अपने आप को स्वस्थ रखने की, बेहतर रखने की कोशिश करें क्योंकि आने वाले समय में भी मौसम ऐसा ही बना रहने वाला है, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। जो हिमालयन रीजन में बर्फबारी का दौर चल रहा है उसके चलते अब प्रदेश में शीतलहर भी पहुंच रही है। प्रदेश के कई जिले शीतलहर की चपेट में हैं और आने वाले समय में जो मौसम का रुख है, जो हाल है, वो ऐसा ही बना रहेगा। कई जिलों में तापमान और भी ज़्यादा गिरने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। चलिए आप बने रहिए वासु, हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल हम ग्वालियर का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ प्रहलाद सेन लाइव जुड़ गए हैं ग्वालियर से, वहां का भी हम जरा अपडेट ले लेते हैं मौसम का। प्रहलाद, अभी हमने बीते 3-4 दिनों में देखा जिस तरह शीतलहर पड़ी, लेकिन तापमान अब ग्वालियर में 5.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, ये शायद अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान है। बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है उसके चलते जो बर्फीली हवाएं आ रही हैं, यही वजह है कि ग्वालियर चंबल अंचल के कई जिले शीतलहर की चपेट में और वहां का जो रात का तापमान है वो भी काफ़ी गिरा हुआ है। हालांकि राहत देने वाली बात यह है कि धूप निकलने से थोड़ी ठंड से राहत है। पिछले साल की तुलना में इस बार जो विजिबिलिटी होती है, जो कोहरा होता है, वो इस बार नहीं है, बिल्कुल मौसम साफ हो जाता है जो 8-9 बजते हैं जैसे ही। तो अभी जी 8 बज चुके हैं और सामने सूर्य नारायण भगवान के दर्शन हमें हो रहे हैं जिससे थोड़ी सी ठंड में राहत है, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें थी वो हम कैमरा पर्सन को कहेंगे कि सामने दिखाएं। कुछ लोग हमें वहाँ अलाव जलाते नजर आ रहे हैं, वो भी खुद से उन्होंने इंतजाम किए हैं उस अलाव के, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं और जो ठंड का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है।
तो अभी जो आने वाला जो समय है वो और ठंडा रह सकता है। हम बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग चाय से ठंड भगाने की कोशिश कर रहे हैं, जानते हैं उनसे क्या कुछ कह रही है ग्वालियर की ठंड। बाबूजी, ठंड क्या कह रही ग्वालियर की? ठंड तो साहब थोड़ी ज़्यादा है, धूप नहीं है, तो चाय पी गई टाइम पास कर रहे, मतलब गर्मी नहीं है। जो रात के वक्त और जो सुबह का वक्त होता है, शाम का वक्त है, उस टाइम किस तरीके की दिक्कत? ये तो ज़्यादा ही पड़ रही है, थोड़ी कोयरा वोयरा इधर बर्फ पड़ रही है, उसका शीतलहर चल रहा है इधर। और भी कुछ लोग हैं, बाबूजी किस तरीके से बचा रहे ठंड? कपड़े पहनते हैं साहब, अपने मफलर बांध लेते हैं, कैप लगा के निकलते हैं घर से, थोड़ा घूमने की आदत है, निकल आते हैं। या नगर निगम ने कोई अलाव अलाव जलाया है शहर में? अब ये तो मैंने चेक नहीं किया साहब, इधर ज़्यादा घर से चितकपुरी से यहाँ तक आते हैं, बीच में तो कुछ ऐसा दिखा नहीं। हालत क्या हुई रास्ते से यहाँ तक आने? नहीं ठीक है, रोज़ की दिनचर्या साहब निकल आती है। अच्छा, कुछ लोगों को तो आदत है, कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, दीपक जी उनसे बात करेंगे। आंटी बताएंगे क्या कह रही ग्वालियर की सर्दी? बहुत ठंड है। कैसे बचाती है खुद को ठंड से? यही गर्म कपड़े पहने। गलन वाली सर्दी है, पैर हम देख रहे, पूरा इंतजाम है, जूते वूते पहन रखे हैं बाकायदा। हाँ ठंड लगती ना बहुत, पैर फट गए ठंड के मारे। तो बिल्कुल लोग तमाम जतन करते हैं तब उन्हें सर्दी से राहत मिलती है, लेकिन मौसम विभाग की साफ तौर पर चेतावनी है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके चलते हो सकता है ग्वालियर चंबल अंचल के कुछ इलाकों में बारिश हो जाए और उसके बाद और ज्यादा तापमान में गिरावट दर्ज की जाए। लेकिन बस एक यही राहत है कि सुबह जो धूप निकलती है उसके बाद जरूर लोगों को राहत मिलती है। हम सुबह 6 बजे से शहर की सड़कों पर हैं और हमने देखा कि किस तरीके से लोग सड़कों पर परेशान है, कुछ लोग खुले आसमान के नीचे अपनी रात गुजार रहे हैं, लेकिन तमाम जो इंतजाम होने चाहिए प्रशासनिक वो नहीं है। जो गलन वाली सर्दी है, जो ठंडी हवाएं चलती हैं, उनसे जो हम जूते पहन लेते हैं, मोजे पहन लेते हैं और मोटे कपड़े पहन लेते हैं, उनमें भी राहत नहीं मिलती। दीपक बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रहलाद, और वो तस्वीरों में हम देख भी रहे हैं लोग किस तरह से तरह तरीके से ठंड से बचने के उपाय कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रहलाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका भी वासु हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चलिए फिलहाल रुक कर लेते हैं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला जी का, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए इस वक्त। अजय जी, हम देख रहे हैं कि अब तो नौबत ऐसी आ गई है कि लोग किसी न किसी तरह गर्म कपड़ों के अलावा अलाव का सहारा ले रहे हैं, आग के सामने बैठ रहे हैं, मौसम कैसा रहेगा? देखिए, एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अभी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आगामी 24 से 48 घंटों में तापमान में 1-2 डिग्री की वृद्धि होगी। उसके बाद फिर दूसरा एक पश्चिमी विक्षोभ भी जो है 24 तारीख को आने की संभावना है, तो तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, 1-2 डिग्री के कम ज्यादा होने की ही संभावना है। तापमान अभी जो चल रहा है उसी के आसपास रहने की संभावना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े और वो कह रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये उसी का असर है कि मध्य प्रदेश में इस तरह की ठंड पड़ रही है और आने वाले दिनों में फिलहाल तो ऐसी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम लगातार जिस तरह से मौसम में तब्दीली हुई, बीते दिनों ठंड का कहर देखने को मिला, अभी आने वाले कुछ और दिनों तक ये ठंड इसी तरह से रहेगी, तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की